हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करके अच्छे होंगे। आपका स्वागत करते हैं स्काईलाइट के YouTube चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं और कई दिनों से पढ़ा रहा हूं, तो ये आज का मेरा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, ठीक है? तो आगे बिना बात की ज्यादा पढ़ाते हैं हम इसके चलते, ठीक है? हमने उस दिन पढ़ा था किसका, इटली का यूनिफिकेशन का लास्ट लेक्चर, क्योंकि इटली का पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था जर्मनी का यूनिफिकेशन, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे कि ये ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है? आज हमको पढ़ना है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन में क्या हुआ था, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, ठीक है? जैसे देखो, जैसे कि इस तरीके से ये जो ग्रेट ब्रिटेन था वो कई चीजों में, कई एरियाज में बंटा हुआ था, ठीक है? ये इस तरीके से पार्टी किए हैं, ठीक है? और इस तरीके से जो कई एरिया थे, तो यहाँ पे इंग्लैंड था, ठीक है? इंग्लैंड था, और इधर ये आयरलैंड, ये कहाँ, ये स्कॉटलैंड था, या वेल्स था, और इसी तरीके से बटे हुए थे, ठीक है? तो क्या हुआ कि वो चाहते थे कि अगर जब देखते हैं कि आप इसकी कहानी क्या होती है, द मोट ऑफ द नेशनल स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड दैट ग्रेट ब्रिटेन रिटेन फॉर्मेशन द नेशनल स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सर्टेन अनगिवन रिवॉल्यूशन, इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ग्राउंड प्रोसेस। ये जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि आप सुनने सुना होगा कि उसमें जो इटली और जर्मनी में हुआ था कि लोग तो जल्दी से ही वो उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया था एक नेशन स्टेट को, लेकिन वो वॉर के थ्रू, रिवॉल्यूशन के थ्रू, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। इसका जो प्रोसेस था बड़ा लॉन्ग था, इतनी लंबे चौड़े एक समय के बाद वो जो इंग्लैंड में जो ब्रिटेन बना वो लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद, ठीक है? हम देखते हैं कि लॉन्ग रन प्रोसेस, ठीक है? देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी, ठीक है? 18th सेंचुरी के पहले कोई भी ब्रिटेन नाम का नेशन स्टेट नहीं था, ठीक है? प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ द पीपल हु इन्वेंटेड इन ब्रिटिश प्रोसेस एथेनिक्स वाज, ठीक है? अब जो ब्रिटेन अभी का है वहां पे इनसे पहले कौन कौन रहते, कौन से आइडेंटिटी के लोग रहते थे, ठीक है? उसमें कौन कौन से, इंग्लैंड, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरिश, ठीक है? इंग्लैंड में इंग्लिश रहते थे, वेल्स में वेल्स रहते थे, स्कॉटलैंड में स्कॉट रहते थे, ठीक है? और आयरलैंड में आयरिश रहते थे। All of them, ethnic group had their own culture and political tradition, ठीक है? इनके पास खुद का अपना एक कल्चर था और एक ट्रेडिशन था, हम ये कहते हैं खुद का एक ग्रुप था, ठीक है? एक ग्रुप था और उनका एक ट्रेडिशन था, ठीक है? But as the English nation steadily grew, where importance had the power, it was able to extend their influence over the other nation of the Iceland, ठीक है? जैसे हम की जानते हैं जो यूरोप का कंट्री है वो कहते हैं कि आइलैंड्स वाला कॉन्टिनेंट, ठीक है? तो इनके जो देश हमने बताया ना कि जो ये स्कॉटलैंड है और वेल्स और आयरलैंड, ये सब अलग अलग बटे हुए थे। तो ये जब इसके पास, इंग्लैंड वालों के पास ये थोड़े से समृद्ध हुए, थोड़ा सा पैसा आया, थोड़ी सी पावर आई, तो ये क्या सोचे कि हम अपनी जो टेरिटरीज हैं उसको बढ़ाएं, और ये पास वाले जो है हमारे स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इस पर अपना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, अपना दबदबा बढ़ाएं, ठीक है? और ये द इंग्लिश पार्लियामेंट व्हिच हैड बीन सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 68 एट द इन द protected conflict was the instrument through which a nation state which are land its center come into the force. क्या होगा
कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट है ठीक है, इसमें 1688 तक जो क्या हुआ कि जो मोनार्की है, राजशाही है, वो खत्म हो गई और वहां पे एक पार्लियामेंट्री रूल चल गया ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री रूल चाहता था कि जो अपने टेरिटरीज है इनको एक्सपैंड किया जाए ठीक है। और ये क्या किया, अब जो अपने उसके बगल में स्कॉटलैंड था उसको क्या किया, उसको अच्छी अच्छी बातें बताया और अपने अच्छे से फायदे बताया और उसके साथ उसने क्या किया, एक साइन किया इसमें जिन्हें क्या है अभी ये जो बता रही है ना एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में इसने साइन किया इंग्लैंड स्कॉटलैंड ठीक है ठीक है। और ये फॉर्म किए एक यूनाइटेड, ये आप बोलना होगा ठीक है। और जैसे ये यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन नाम ठीक है, अब उसको अच्छे अच्छे से बातें बिना बता करके वो अपने में ऐड कर लिए और बताया कि जो हमारा हमारी टेरिटरी यानी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड टोटल क्या हो गया, द ग्रेट ब्रिटेन हो गया ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हो गया ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में वो अब बदल गया ठीक है। England was able to impose their influence on the Scotland. The British Parliament was hence co-dominant by its English member. ठीक है? अब जैसे ही वो मिल गया उसी को एक डॉक्यूमेंट साइन कर लिया, अब क्या होने लगा कि जो स्कॉटलैंड के लोग थे ठीक है, उनके जो मेंबर्स जो उनकी पार्लियामेंट थी उनके सबसे ज्यादा डोमिनेंट था वो इंग्लिश मेंबर को होने लगा ठीक है। The growth of British identity means that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. ठीक है? तो जैसा हमने बताया कि जब वो मान लिया कि भाई अब तुम्हारे साथ ही रहना है, फिर उसने कहा कि ठीक है, फिर उसकी जो पार्लियामेंट था उस पार्लियामेंट में उसका उसके ज्यादा लोग रहने लगे, जब ज्यादा लोग रहने तो उनसे इंग्लिश वालों का ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा स्कॉटलैंड वालों और वो उनके जो कल्चर है उनको सप्रेस करना चाहते, दबाना चाहते ठीक है, कि जो तुम चाहते थे कि तुम हमारी इंग्लिश भाषा बोलो, स्कॉटलैंड स्कॉटिश जो लैंग्वेज उनकी जो पर्सनल लैंग्वेज है उसको छोड़ो और हमारी इंग्लिश भाषा बोलो ठीक है, और उनके इंस्टीट्यूशन को सिस्टमेटिक तरीके से सप्रेस करना है ठीक है। अब देखते हैं सप्रेस द कैथोलिक क्लैश एंड द इनहेबिटेड स्कॉटिश हाईलैंड सफर फ्रॉम द टेरिबल रिप्रेशन व्हेन दे आर अटेम्प्ट टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, जब वो अपने आप फिर से इंडिपेंडेंस की जब बात करते हैं तो उनको सप्रेस करते हैं ठीक है। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेयर कोऑर्डिनेट टू स्पीक जो कि वो गैलिक लैंग्वेज ठीक है, और वी आर देयर नेशनल प्लेसेस। अब यहां लोग को कहते हैं कि जो इंग्लिश या इंग्लैंड वाले हैं इनका डोमिनेंस बने रहता है, स्कॉटलैंड के कहने कि नहीं आप तो अपना जो लैंग्वेज है वो नहीं बोलोगे, अपना कल्चर नहीं फॉलो करके हमारे कल्चर में रहो, और आपको क्या करना है कि जो ड्रेस है ड्रेस भी आपको चेंज करना, हमारे अकॉर्डिंग आपको ड्रेस पे ड्रेस पहनना ठीक है। It was a country deeply divided between Catholics and Protestants. ठीक है? The English had the Protestant of Ireland. अब जो अब दूसरा हुआ कि यहाँ पे इस तरीके से मेरे अभी बता रहा हूँ मैं ठीक है, देख जैसे मान लो कि ये है ये इस तरीके से काम है ठीक है, ये इस तरीके से ये ग्रेट ब्रिटेन है, ये आयरलैंड है, यहाँ पे वेल्स है और इधर का स्कॉटलैंड ठीक है, स्कॉटलैंड में ये क्या है इंग्लैंड है, यहाँ पे था वेल्स ठीक है, और यहाँ पे है आयरलैंड ठीक है, आयर जो भी है ठीक है, यह है आयरलैंड। अब जैसे इसको सप्रेस कुछ जिसने कहा कि हमारे
यूनिट जो सब कुछ करेंगे फिर उसके साथ मिल गए यूनियन साइन के एक्ट ऑफ यूनियन साइन के और फिर उसके बाद इन्होंने उनको सर्वेस किया कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो और उनके पास इनके इनके पास पावर ज्यादा आ गई थी कहने की नहीं अब अपनी आप लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ट्रेडिशन इंग्लैंड को फॉलो करना पड़ेगा आपको लैंग्वेज इंग्लैंड की फॉलो करनी पड़ेगी यहाँ तक ड्रेस भी आपको इंग्लैंड वाला ही फॉलो करना पड़ेगा और फिर दूसरा क्या हुआ कि ये अब इनमें झगड़े हो रहे थे कैथोलिक और क्या था कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट ठीक है इनके दो गुट ठीक है अब यहाँ तो हो गए जिसको ग्रेट ब्रिटेन बना लिए ठीक है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना लिए अब इसको चाहे थे अब इसको भी अपने इन्फ्लुएंस मिले अपने कब्जे में इसको ले ठीक है तो हम इसको देखते हैं द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट और उनमें से जो प्रोटेस्टेंट थे उनकी हेल्प पकड़ी किसने इंग्लिश लोगों ने आप आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर द लार्जली कैथोलिक कंट्री ठीक है इन्होंने प्रोटेस्टेंट का सहयोग किया और उनके सहयोग से ये प्रोटेस्टेंट और ये इंग्लिश लोग मिल करके जो कैथोलिकों को सप्रेस कर दिया ठीक है और ये जो इंग्लिश चाहता नहीं था कि हमारा किसी तरह से वर्चस्व हो जाए उस आयरलैंड पे भी हो जाए ठीक है कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस विलेज सप्रेस और कैथोलिक ने किया नहीं गलत ये नहीं कि नहीं किया उन्होंने किया नहीं लेकिन उनको भी सप्रेस कर दिया नहीं कि आप जाओ हो गए ठीक है फेल रिवोल्ट बाय द वॉल टू ठीक है अब आफ्टर फेल रिवोल्ट बाय वॉल टू ये वॉल टू है इन्होंने ये वॉल होने को ध्यान रख लिया ये यूनाइटेड आयरिश फैल गए इन्होंने भी जो भी इनको करना था किए ठीक है किंगडम अब क्या हुआ कि 1801 में एक ब्रिटिश नेशन फॉर्म हुआ ठीक है ब्रिटिश नेशन फॉर्म हुआ और ये ब्रिटेन का अलग सब लैंड हो गया और इसका अलग एंथम हो गया ठीक है तो जब ये सब बना लिए उनका एक अलग से पूरा नेशन बना ठीक है अब इसकी यही कहानी है आगे भी इसकी सब चीज चलती हुई है ठीक है आगे हम थोड़ा सा हाँ ये कहाँ चल गया जी हाँ तो चल गया थोड़ा सा ठीक है यहाँ से ठीक है यही तक था फिर उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लिखना चाहिए था ठीक द विजुलाइजेशन ऑफ नेशन इस तरह से एक टॉपिक था ठीक है तो अब ये हमने बताया कि सबसे पहले क्या किया कि जो वेल्स वाले हैं उनको सर्विस करने जैसे तरीके से हमने मिला दिए फिर स्कॉटलैंड पे उनसे एक डाक साइन किया कि भैया हमसे मिल जाओ और जो भी है उनको अच्छी अच्छी अपनी बातें बताई और किसी तरीके से कैनवेंस किया और उनसे एक डाक यूनियन साइन करवा दिया और अपने भी मिला दिया फिर उस पार्लियामेंट में अपना डोमिनेंस बढ़ाया उस डोमिनेंस बढ़ाने के बाद उनके पास पावर हो गई एक टाप यूनियन ऑफ साइन हो ही गया है तो अब उनको कहने लगे कि नहीं नहीं आपके जो वहाँ पे कल्चर है उस कल्चर में ही ये जो इंग्लिश कल्चर इसको फॉलो करो हमारा ड्रेस फॉलो करो ठीक है लेकिन कुछ लोगों ने किया तो उनको सप्रेस कर दिया था सिस्टमेटिकली तरीके से उनको सप्रेस किया था ठीक है उसमें दिया था कि इस तरीके से नहीं है कि ऐसे करके उनको सिस्टमेटिकली तरीके से कोई एक रूल आता था उस रूल के तहत आपको पार्लियामेंट एक रूल बनाती थी उस तहत उस रूल के तहत आपको सप्रेस कर दिया था ठीक अच्छा अब थोड़ा सा मैं ये जो नीचे लिखा हुआ इसके बारे में मैं बता देता हूँ पूरा क्या जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ जब जैसे ही ये सब नेशंस क्रिएट बने तो उनको लगा कि नहीं एक नेशन कैसा होता है नेशन की फीलिंग को एक तरीके से इसको विजुलाइज कैसे करें ठीक है ठीक नेशन स्टेट तो बना लेते हैं अब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जब एक नेशन की बात आती है तो एक माता का नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं भारत माता ठीक है तो उसी तरीके से भारत माता क्या एक 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 सेंटीमेंट देती है कि भारत एक भारत के लिए एक माँ है ठीक है तो
उसी तरीके से वहां भी जर्मन में जर्मनी नाम की एक लेडी का एक एक विजुलाइजिंग एक बताया था कि नहीं जो जर्मनी के लिए एक वहां के लिए भी एक देवी है ठीक है जिनका नाम जर्मेनिया है ठीक है जैसे आपने यहाँ एक भारत माता मूर्ति है उसी तरीके से वहाँ उन्होंने एक अपनी अलग से बनाई थी एक विजुलाइजिंग एक पिंटर ने कहा कि नहीं नेशन स्टेट की फीलिंग को बरकरार रखने के लिए एक विजुलाइजेशन होना चाहिए जिसके तहत जो लोग जानना चाहते हैं नेशन स्टेट क्या है कैसे डेवलप हुआ क्या इसकी इम्पोर्टेंस है तो ये एक माता के रूप में देखेंगे या कोई गॉडेस के रूप में कोई देवी के रूप में देखेंगे तो इनके अंदर जो सेंटीमेंट की भावना है कि वो बरकरार है ठीक है तो इसी वजह से क्या हुआ कि अब नेशन स्टेट को किस तरीके से विजुलाइज किया जाए तो लास्ट में ही बताया गया किसी एक गॉडेस की गॉडेस को बताया कि किसी देवी का रूप दें नेशन को एक देवी का रूप दें जैसे कि हमारे इंडिया में भारत उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक यू हैव अ नाइस डे